मेरा डिटॉक्स वाटर बनाते हैं, पहले वो आंख का पानी निकालने के चक्कर में ऑन ऑफ हो रही है, ये बीच में हल्का फंगस लगता है, ना गिर जाए हाथ पर, हलाने ना आए। हेलो किचन क्वींस, कैसे हो? आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। मैं भी बढ़िया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। अरे वाह, आपने लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लिया, थैंक यू सो मच। देखिए, मैंने अदरक लहसुन कड़ी पत्ता मोटा मोटा पीस लिया है, वो डालकर मैंने मटकी मतलब 10 टाइप के जो दाने भिगोए थे ना, उसको मैंने फ्राई कर लिया है बस एक दो ड्रॉप तेल डालकर, और ये छोटा सा सैंडविच बनाया है। आपने अभी सब कुछ देखा मैंने क्या क्या कट किया था, वो डालकर एक मिनट माइक्रो कर लिया है और तवे पर सेक लिया है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए आज मेरी 11:30 बजे हो रही है, ऐसे नहीं कि मैं सुबह नहीं उठी, सुबह 5:30 को उठी थी, नमाज़ पढ़ी और यूसुफ़ का टिफ़िन बनाई और उसे स्कूल छोड़कर वापस सो गई। मतलब नमाज़ पढ़ी, टिफ़िन बनाई, फिर सो गई, फिर उसे वो पूरा तैयार होकर उठाने को आया, अम्मी मैं जा रहा बोलकर, फिर उसे बाय करी, फिर वापस सो गई। तो अभी मतलब 10:30 बजे उठी, उसके बाद मेरे हस्बैंड का नाश्ता वगैरह बना कर दिया, बाकी घर में काम फैला हुआ है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, चेहरा तो पफी पफी है, आपको दिख ही रहा है। वैसे भी थायराइड वालों का चेहरा है ना थोड़ा सा सुबह में पफी रहता ही है, पर देखिए मेरी आँख है ना मुझे परेशान कर रही है। वैसे भी मैं नहा के आऊँ तो थोड़े से लाल हो ही जाते हैं मेरे आँख, पर कल थोड़ा सा शैम्पू चला गया था। मैं बोली नॉर्मल है, कभी कभार होता है ऐसे, लेकिन वो बहाना शैम्पू का हो गया, पर पूरी मेरी आँख जो ब्लैक बॉल छोड़ के साइड का वाइट होता है ना, वो उसमें पूरा पानी भरे गया है, ऐसा पफ पफ लग रहा है। तो फिर मैं वो जिस साइड से सोती हूँ ना, उस साइड से पानी निकल जाता है, तो फिर आँख वगैरह ऐसी हो ना मुझे, तो फिर मैं काम पर ध्यान नहीं देती हूँ, पहले वो आँख का पानी निकालने के चक्कर में सिर्फ सोई रहती हूँ। पर अभी देख अच्छा खासा निकल गया है, पर बाकी काम तो है ही, मुझे करना पड़ेगा। पर जो मेरे खुद के काम है ना, उसे थोड़ा सा आज मैं डिले कर दूँगी, जैसे एडिटिंग है मेरा, आँखों से रिलेटेड ही है ना, तो आज एडिटिंग नहीं करूँगी और आज पोछा भी गैप कर दूँगी। बाकी चलिए जो काम करती हूँ आपको बताती हूँ। देखिए किचन कट्टा किस तरह से फैला हुआ है, सुबह में मैंने बर्तन भी धोए थे, अब बर्तन वापस से धोने पड़ेंगे। और ये गैस का कट्टा पाक करने से पहले मैं चावल चढ़ा लूँगी, क्योंकि एक तरफ चावल पकते रहेंगे और बाकी सारा काम होता रहेगा। और वैसे मैं चावल उबाल कर पकाती हूँ, मतलब चावल का 3-4 गुना पानी ज़्यादा डालती हूँ, पूरी तरह से उबाल कर फेंक देती हूँ। इसी बीच में मैंने दूध भी गर्म किया था। चलिए ये देखिए कट्टा साफ़ करती हूँ। और गाड़ी पर 10 रुपये पैकेट बोलकर 6 पैकेट बोलकर पपड़ आए थे बिकने को, मैंने वो लिए हैं, बच्चे पसंद करते हैं, मिर्च और चाट मसाला डालकर अगर फ्राई कर लें तो। और ये बाकी चीज़ें तब का तब हम साफ़ करके जिसकी जगह पर वो रख देना तो काम थोड़ा कम होता है, नहीं तो फैला पड़े देना तो रेस्ट का रेस्ट होता है, फिर बाद में काम छाती पर इतना ज़्यादा आ जाता है, फिर काम करूँ क्या, खाने दूँ क्या, पकाऊँ, फिर मुझे तो रोना ही आ जाता है। कभी कभार थोड़ा सा डिले कर देती हूँ ना काम को, पहले बैठ के रोती हूँ कौन सा काम करूँ बोलकर, फिर आँखें पोंछ कर काम को लग जाती हूँ। पर अभी अभी कुछ दिन हो गए, थोड़ा सा रिलैक्स करके ही करती हूँ, क्योंकि पात्री साहब भी मुझे पहले जैसा सता रहे नहीं हैं। मतलब उन्होंने पहले कैसा करते थे, अभी होना तो अभी होना, मुझे अभी जस्ट दे, तू दूसरा काम कर नहीं तो छोड़, तो तब मुझे रोना आता था। अभी कैसे, अगर मैं थोड़ा सा 5 मिनट लेट भी कर लूँ ना, ठीक है तेरा ख़त्म कर ले फिर मुझे दे बोलते हैं। एक्चुअली मेरे बड़े लड़के के लिए मैंने 2 साल अकोला में रह के आई हूँ ना, छोटा लड़का उनके पास था, तो उनको मेरे काम की वैल्यू पता हो गई है। मतलब इतना काम करना पड़ता है, वो फ़ोन में बोलते थे मुझे, रानी सिर्फ यूसुफ को एक टाइम खाना देने के लिए मुझे परेशानी होती है, तो हम तीनों को कैसे संभालती थी बोलकर।
चलो खैर, देर आए दुरुस्त आए। देखिए मैंने हॉल भी साफ कर लिया, झाड़ू मार कर ये डाइनिंग हॉल में आई हूँ। अभी पात्री साहब ब्रेकफास्ट करके गए हैं ना, पानी वगैरह गिरा कर गए हैं। थोड़ा सा हाथ मारना ज़रूरी होता है डाइनिंग टेबल पर, क्योंकि वैसे तो हम लोग खाना नहीं खाते हैं, बस ब्रेकफास्ट ही करते हैं पात्री साहब। अगर हम वैसे ही छोड़ दें दाग गिर जाएंगे, फिर दूसरी बार खाने बैठेंगे तो अरे पोंछना था, फिर सारा काम छोड़ कर पहले पोंछना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ही पात्री साहब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं ना, तो पहले डाइनिंग टेबल ही साफ कर लेती हूँ। देखिए ये रूम में तो कपड़े मेरे फैले पड़े हैं, और यूसुफ बैग इधर उधर कर रखा है, और टॉवल भी नहा कर जाता है ना ऐसे ही छोड़ कर जाता है, बच्चा है। चलो अभी थोड़े दिन इसी का तो करना है मुझे। अब जैसे ही उसकी 10th की एग्जाम हो जाएगी ना, तो उसे बताऊंगी कि ऐसे नहीं करना है। देखिए यूसुफ सर को तेल लगाता है ना, तो किस तरह लगाता है पता नहीं, दीवार पे सारा उड़ा देता है। ये मेरा बेडरूम है, चलिए ब्लैंकेट तो मैं कभी घड़ी नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं हर 10-15 मिनट में बेड पर आती हूँ ना, तो मुझे पैर को ठंडी लगती है, तो मैं ब्लैंकेट के अंदर पैर डालती हूँ। बाकी तो ये रूम झाड़ना है। देखिए पेपर वगैरह भी बगैर काम के जो रहते हैं वो भी मैं ही फेंकूँ, वो फेंकते नहीं हैं। चलिए ये बाथरूम का एरिया भी मैं साफ कर रही हूँ। जहाँ पानी होता है वहाँ झाड़ू नहीं लगाती हूँ, जहाँ पानी नहीं होता है वहाँ से झाड़ू लगा लेती हूँ, बाद में धो लेती हूँ, पर आज नहीं धोऊंगी, आज थोड़े से काम स्किप करूँगी। जब मेरा पेट दुखता है या फिर ऐसे आँख वगैरह सर वगैरह दुखता है ना, तो उस टाइम ज़रूरी जो काम होते हैं वही करती हूँ, फिर दूसरे दिन सारे काम कर लेती हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद। देखिए इतना सारा काम ख़त्म करके आने तक चावल भी उबल रहे हैं, पर और 2-3 मिनट लगेंगे, तब तक मैं ये कचरा भरकर हाथ धो लेती हूँ। मैं हाथ धो कर है ना पैंट को पोंछती हूँ, टॉप के अंदर से जो पैंट होती है इजार होती है ना, तो मेरी जब तक मैं कुकिंग करती हूँ ख़त्म होने तक मेरी पैंट पूरी गीली हुए रहती है। पर अब जब से व्लॉग बना रही हूँ ना, तो थोड़ा सा चीज़ों को अवॉइड कर रही हूँ। देखिए मैं पानी निकालने के बाद इस तरह से बर्तन को गर्म करती हूँ साइड से बीच से, क्योंकि गर्म होने के बाद जो ज़्यादा का पानी होता है वो सूख जाता है। चलिए आज बैंगन का कोरमा बनाती हूँ। और एक बात, जब बीमार होती हूँ ना, तो एक ही सब्ज़ी बनाती हूँ जो रोटी के साथ और चावल के साथ जाए, मतलब काम थोड़ा कम हो पर सब्ज़ी अच्छी बने। ये कोरमा मैं कम मसाले और कम मिर्च में बना रही हूँ, कम तेल में। मैंने अभी सूखा नारियल और खसखस भून ली है, और मिक्सी जार में थोड़े से मूंगफली जीरा डाला था, उसे थोड़ा सा पानी डालकर बारीक पीस ली हूँ। और आज मैं पंजे वाला बैंगन का ग्रेवी बना रही हूँ। देखिए इस तरह से बैंगन को कट करने को पंजे वाली बैंगन की ग्रेवी बोलते हैं। एक प्याज कट कर ली है, थोड़ा सा हरा धनिया, तेल कम ही डाल रही हूँ। वैसे देखा जाए तो इसका डबल तेल डालना चाहिए। तेल गर्म होने तक मैं टमाटर भी कट कर लूँगी। देखिए टमाटर कट हो गए हैं और प्याज भी फ्राई हो गई। अब जैसे ही थोड़ा सा प्याज फ्राई हो गई, उसमें बैंगन डाल देंगे। बैंगन को 2-3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन 1 चम्मच, 1 चम्मच मिर्च और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, मैं तो हल्दी पाउडर डब्बे से ही डालती हूँ, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और टमाटर हरा धनिया नमक डालकर ढक देंगे। 5 मिनट के बाद इस तरह से पानी हो जाता है, मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से गला लेंगे। फिर टमाटर को पूरी तरह से मैश कर लेंगे और ये मसाला डाल देंगे। मसाले को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ग्रेवी में थोड़ा सा गर्म पानी डाल देंगे, नमक टेस्ट कर लेंगे, ढक लेंगे और बैंगन के गलने तक पकाएंगे। ये बन गई हमारी आज की बैंगन की ग्रेवी या बैंगन का कोरमा। ग्रेवी बनाते बनाते मैंने कपड़े भी धो लिए हैं। चलिए मेरा डिटॉक्स वाटर बनाते हैं। एक्चुअली मैं मेरे वेट लॉस पे हूँ, और वेट लॉस के लिए है ना मैं हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट यूज करती हूँ। 2013 में भी मैंने ऐसे ही करके वेट लॉस किया था, पर अब इस बार मुझे है ना हर्बल लाइफ सूट नहीं हो रहा है। काफ़ी दिन से यूज कर रही हूँ, फिर भी मेरा वजन जहाँ का वहाँ है, और मुझे थोड़ा फैटी लोग पसंद ही नहीं आते हैं। दूसरे पता नहीं, मैं फैटी हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैं और बताऊँ मैं आपको, मैं जंगल वाले इलाके में रहती हूँ, यहाँ मतलब डाइटिशियन वगैरह नहीं है। तो फिर मैं अभी सोची हूँ इस बार यूट्यूब से देखकर ही मैं आराम आराम से अपने समझ के हिसाब से गलत सही सोचते हुए अपना वेट लॉस करूँगी।
और हो भी रहा है। अभी मैं डिटॉक्स वाटर बना रही हूँ, आप इसमें पाइनएप्पल वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। मेरे पास एप्पल है और एप्पल मुझे सूट भी होता है, इसलिए एप्पल डाल रही हूँ। ये ड्रिंक मैंने फैट टू फैब चैनल से लिया है, मतलब इससे पहले भी उन्हीं की रेसिपी यूज कर रही हूँ मैं एक महीने से। और साथ में हर्बल लाइफ का प्रोडक्ट है मेरे पास, तो डिनर के लिए वही यूज कर रही हूँ। रिजल्ट स्लो है, बहुत बहुत ज्यादा स्लो है, पर अच्छा है। नेगेटिव से तो पॉजिटिव अच्छा रहता है ना। पिछली बार महीने में 4 किलो वजन कम करी थी, इस बार 2 किलो भी कम होना बहुत मुश्किल है। जैसे ही कुछ खाने में गड़बड़ हो जा रही है ना, उसी दिन 500 ग्राम ऊपर दिखा रहा है। गड़बड़ मतलब क्या, फ्राइड वगैरह नहीं, जैसे अभी मैं ज्वार की रोटी खाती हूँ वो भी नहीं सूट हो रही, गेहूं की तो ग्लूटेन की वजह से वो तो पहले से ही सूट नहीं होती। तो अभी जैसा बैगन मुझे पसंद है, 4-5 बैगन खा ली, मतलब 2 बैगन के 4 पीस हो जाएंगे ना, 4 पीस खा ली, थोड़ा सा धोने वाले चावल खा ली, तो फिर दूसरे दिन वेट 500 ग्राम ज्यादा बता रहा है। तो थोड़ी सी परेशान हूं पर कोशिश कर रही हूं। चलिए इसे पीस लेते हैं। इसे मैंने पीस लिया है, एप्पल और कड़ी पत्ता ही है। 1 लीटर पानी में मिक्स कर देंगे। उन्होंने बताया है इसे डायरेक्ट ही पियो बोलकर, पर मैं इसे छान कर पीती हूँ। मुंह में आ रहा है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वैसे ये कपड़े अभी सूखे नहीं हैं, हल्के ठंडे हैं, और बाहर बारिश ऑन ऑफ हो रही है, और 1:30 बज रहे हैं, मतलब 2 घंटे का मेरा काम हो गया। देखिए अब थकावट हो रही है, अब आंख पेन कर रही है, जब काम था तो आंख पेन नहीं करी, अब आंख पेन कर रही है। चलिए ये कपड़ों को तो भरी नहीं करूंगी मैं, ऐसे ही फेंक दूंगी। वैसे भी ये बेड खाली ही रहता है, मतलब यही कपड़े ये दोनों फैन के साथ सूख जाएंगे। और अगर बाहर कड़क धूप खिली ना, पहले फुर्सत में कपड़े बाहर लेके जाऊंगी, क्योंकि एक धूप लग गई ना कपड़ों को, तो कपड़ों में कुमट स्मेल भी नहीं आती है, और बहुत दिन रखने के बाद जो हल्का फंगस लगता है ना वो भी नहीं लगता है। और बारिश के दिन में धोकर रखने के बाद है ना, अगर इस तरह से थोड़े ठंडे रहेंगे तो जो हम घड़ी डालते हैं ना उनके बीच में हल्का फंगस लगता है। एक्चुअली कॉटन के कपड़ों पर ज्यादा होता है, साउथ कॉटन साड़ी वगैरह होती है ना उसमें लगता है। तो उन चीजों से बचने के लिए थोड़ी दिन कपड़े ऐसे ही गिरे रहे तो क्या फर्क पड़ता है, कोई आता तो नहीं है। बारिश के दिन में सभी के घर ऐसे ही होते है ना। तो चलिए ये कपड़े सूखने डालती हूँ और ये पैंट प्रेस कर लेती हूँ। ये वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। हम लेडीज का काम कभी खत्म नहीं होता है, कौन से भी कोने में जाएंगे ना तब भी काम लेके ही आएंगे, जब तक सीरियस हो के बेड पर ना गिर जाए, हाथ पर हलाने ना आए, तब तक हम काम करते हैं। चलिए ये वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक इजाजत दें, अपना खूब ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। ये बैगन के कोरमे की रेसिपी तो आपने देख ली, और ये बन गई मेरी रोटी।